रेडियो चन्न परदेसी ते देश दुनिया दी खबरां लैके गगनदीप हाजिर है। सब तो पहला नजर मारदे हां अज दीयां मुख्य खबरां ते। यूएसए दे विच कोरोना वायरस दे कारण बेरोजगारी दा क्लेम करन वालियां दी गिनती वधी। अमेरिका दे विच कोरोना वायरस दा कहर, पेंसिलवेनिया दे गवर्नर नूं भी होया कोरोना। आसाम एनआरसी दे विच 2 लाख तो ज़्यादा गलत एंट्री अधिकारियां ने दित्ती हाई कोर्ट दे विच जानकारी। चीन अते पाकिस्तान ते तुरंत करना चाहीदा सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी सरकार ने जय जवान जय किसान नूं बर्बाद करन दी कोई कसर नहीं छड्डी है। विधायक चीमा 11 दसंबर नूं 50,000 तो वध किसान मजदूरां दा जत्था करेगा दिल्ली वल कूच। हुण खबरां विस्तार नाल। अमेरिका नाल संबंधित फ्रिज नूं तो आई इस खबर दे अनुसार देश दे विच वायरस दी लाग दे विच हो रहे भारी वाधे दे नाल जारी हो रहीआं पाबंदियां दे कारण कई कारोबार बंद हो गए ने। इस स्थिति दे पैदा होण दे कारण हज़ारां लोक बेरोजगार हो गए ने। अपने ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ बेरोजगारी की सहायता के लिए दरखास्त देने की गिनती दे विच भारी वाधा किया है। आंकड़े के अनुसार इस हफ्ते सहायता राशि की बेनती करने वाले लोगों की गिनती 8,53,000 हो गई है। किरत विभाग ने वीरवार को जानकारी देंदे दस्या कि अर्जियां की गिनती पिछले हफ्ते की 7,16,000 तो ज़्यादा वध गई है। मार्च के कोरोना वायरस वालों आर्थिकता को मठा करने तो पहला हफ्तावारी बेरोजगारी के दाव्यां की गिनती सिर्फ 2,25,000 सी। नवंबर महीने के विच मालकां ने भी अप्रैल तो बाद बहुत घट लोगों को नौकरियां दित्तियां ने। अमेरिका नाल संबंधित फ्रिज नूं दवाई इस खबर के अनुसार कोरोना वायरस ने हुण पेंसिलवेनिया के गवर्नर टॉम वुल्फ नूं भी अपना शिकार बना लिया है। सूबे के गवर्नर ने बुधवार को कोविड-19 नाल पीड़ित होने का खुलासा किया ते ओह हुण घर दे विच अलग रह रहे ने। उन्होंने कहा है कि मंगलवार को एक रूटीन टैसट दे विच उन्हां नूं वायरस की मौजूदगी का पता चलिया है, जबकि वुल्फ के बयान के अनुसार ओह चंगा महसूस करते हुए CDC अते सेहत विभाग के निर्देशों की पालना कर रहे हैं। गवर्नर वुल्फ के नाल उन्हां दी पत्नी फ्रांसिस वुल्फ का भी टेस्ट लिया गया है, जिसका नतीजा फिलहाल अजे नहीं मिलिया है। वुल्फ तो पहला ओकलाहोमा, मिजोरी, वर्जीनिया, नेवाडा और कोलोराडो के गवर्नरों के मेयर भी कोरोना वायरस की लपेट दे विच आ चुके हैं। 72 साला वुल्फ एकांतवास समय के दौरान घर तो काम करना जारी रखणगे। भारत नाल संबंधित गुवाहाटी तो आई इस खबर के अनुसार आसाम के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के विच 2.77 लाख गलत नाम दर्ज ने। NRC अधिकारियों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट दे विच इस दी जानकारी दी है। आसाम के NRC कोआर्डीनेटर हितेश देव वर्मा वालों दिए गए हल्फनामे के अनुसार NRC अधिकारियों ने अजे तक ड्राफ्ट का सिर्फ 27% तस्दीक किया है। इस दौरान 1 लाख तो ज्यादा नामों को हटा दिता गया है। इस तो पता चलता है कि बाकी NRC दे विच कई होर आयोग नाम हो सकते हैं। कोर्ट विच दिते गए एक हल्फनामे के मुताबिक NRC ड्राफ्ट के 27% के बिना कारण तस्दीक के जरिए 1,02,462 नामों को हटा दिता गया है। इन आंकड़ियों के मद्देनज़र बाकी 37% तस्दीक ना किया डाटा जिसनूं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन आंकड़ियों के मुताबिक 2.77 लाख अणचाहे नाम NRC रजिस्टर के विच दर्ज हो सकते हैं। भारत नाल संबंधित नवी दिल्ली तो आई इस खबर के अनुसार शिव सेना आगू संजय राउत ने कहा है कि जेकर केंद्र सरकार के मंत्री यह जानकारी देंदे ने कि जो किसान अंदोलन चल रहा है इस दे पिछे पाकिस्तान अते चीन का हाथ है तो रक्षा मंत्री नूं तुरंत चीन अते पाकिस्तान ते सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए है। तुहानूं दस दईए कि केंद्र सरकार दे विच मंत्री राव साहब दानवे ने बुधवार नूं दावा कीता सी कि किसानां दे विरोध प्रदर्शन दे पिछे चीन अते पाकिस्तान का हथ है। संजय राउत ने कहा है कि राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर नूं इस मुद्दे ते गंभीरता दे नाल विचार करना चाहिए है। उत्थे ही किसानां दे मुद्दे ते चीन अते पाकिस्तान नूं घसीटण ते शिव सेना ने कहा है कि BJP लीडर अपने होश तो बाहर ने। शिव सेना बुलारे अते साबका केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत ने कहा है कि भाजपा नेता अपने होश तो बाहर ने क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र दे विच सत्ता गुआ दित्ती है। पंजाब नाल संबंधित सुल्तानपुर लोधी तो आई इस खबर के अनुसार किसी समय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री ने देश के किसान नूं मजबूत करने के लिए बॉर्डर से लड़ रहे फौजियों वास्ते जय जवान जय किसान का नारा दिता सी अते देश के लोगों नूं हर सोमवार नूं भुखा रहने की भी अपील की सी। पर अज का समा देखो, साडे देश का प्रधानमंत्री दोवां नूं ही बर्बाद करने के इरादे दे नाल खेती विरोधी कानूनां नूं जबरदस्ती लागू करने ते बाजिद ने। यह विचार विधायक नवतेज सिंह चीमा ने दिल्ली विखे चल रहे किसान अंदोलन दे विच शिरकत करदिआं जंतर मंतर ते बैठे कांग्रेसी सांसद जसबीर डिंपा, रवनीत बिट्टू, गुरजीत औजला दे नाल धरने ते बैठे एक गलबात दे दौरान सांझे कीते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारपोरेट घराणियां दे एहसान मोड़न दे लई देश विशेष करके पंजाब दे किसानां नूं खत्म करन ते तुले होए ने ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 79ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। किसानों का कहना है कि काले कानून रद्द होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान किसान मजदूर संघ कमेटी पंजाब की कोर कमेटी की लंबी चली मीटिंग तो बाद फैसला किया गया है कि किसानों का वड्डा जत्था दिल्ली वाल कूच करेगा। जंडियाला गुरु विखे रेल रोको मोर्चे की अगवाई कर रहे आगू हरप्रीत सिंह सदवा, सतनाम सिंह, मनो चाहल ने आख्या कि सरकार दीयां जथेबंदियां दे विच फुट पाउंदियां नीतियां नूं सफल नहीं होण दित्ता जावेगा। इस दे नाल ही साडा अज दा खबरां दा बुलेटिन इत्थे समाप्त हुंदा है। हुण दिओ गगनदीप नूं इजाजत। सुंदरो रेडियो चन्न परदेसी।